स्टोरी ऐसी है कि एक अभी चार दिन रह रहे थे और एक खत आता है और घर में दस्तक होती है। तो जैसे ही शगुफ्ता भाग के बाहर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि हमारे रामू काका आकर खत देने आए हैं। और जैसे ही वो खत लेके अंदर जाती है तो उस खत में लिखा था कि 6 साल पहले बॉर्डर पे जाकर नौकरी करने वाला मेरा भाई आज 6 साल बाद वापस आ रहा है। ये खत सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पापा नहीं थे और उसकी माँ से काफ़ी देर से या कहते ना कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो हम नहीं दे पाते, बाप बाप होता है, ठीक है, माँ वो चीज़ नहीं दे पाती। तो ऐसा कुछ मोमेंट था। तो जैसे वो पागलों की तरह पूरे गांव में घूम रही थी और घूमते घूमते के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और यार रक्षाबंधन का दिन भी उसी दिन था। तो ऐसा है नहीं कि मैंने यही सुना है, यार बहुत कम लोगों ने सुना है कि हिंदू मुस्लिम, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर दिवाली पे हम मुस्लिम्स भी दिवाली मनाते हैं और पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो और हाँ, नवरात्रे में माता रानी को बिठाया जाता। तो ये है कि ऐसे माहौल था। तो वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से एक हरे रंग की गाड़ी गांव की तरफ आने वाली होती है और ऐसा पता चलता है कि गांव वाली तरफ से कि गाड़ी आ रही है गांव की तरफ। तो जैसे ही वो गाड़ी आने वाली होती है तो शगुफ्ता उसकी माँ जो कि गेट के बाहर खड़े जाते हैं और सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही घर के आंगन में वो गाड़ी आती है तो उसमें से 4 सिपाही उतरते हैं जो कि सबकी नजरें थी कि जिनका बेटा शबीर भाई वो कब लौटेंगे। तो उनको देखने के लिए जैसे सब लोग आते हैं तो क्या होता है कि अचानक से सब सन्नाटे में आ जाते हैं कि शबीर भाई कहाँ। और शबीर भाई को ढूंढते ढूंढते सबकी आंखें जैसी थक जाती हैं उतने में उस गाड़ी से 4 सिपाही बाहर आते हैं और खामोश खड़े हो जाते हैं। ये बात देखते ही तो शगुफ्ता के हाथ में जो राखी का थाल था वो उसको लेके अंदर जाते हैं और सब लोग उसके पीछे जाके उसको रोकने लगते हैं कि शगुफ्ता गेट खोलो, बट शगुफ्ता गेट नहीं खोलती। कुछ टाइम बाद जैसे ही शगुफ्ता गेट खोलती है और बाहर आती है तो शायद वो कहते हैं ना कि 11 साल की लड़की जो काफ़ी टाइम से बुरखे में थी और आज पहली बार एक आर्मी की ड्रेस में जो कि उसके भाई की थी वो बाहर पहन के आती है और 4 लाइन कहती है कि माँ जो होना था वो तो हो गया लेकिन अब एक लाइन पूछना चाहती हूँ, मतलब एक सवाल था कि छोड़ आओगे फिर अकेला, आज ही तो हर घर घर में तिरंगा लगा मिलेगा। छोड़ आओगे फिर अकेला, आज ही तो हर घर घर में तिरंगा लगा मिलेगा, कल क्या फिर सरहद पे वो फौजी अकेले खड़ा मिलेगा। कहीं केसरिया कहीं हरा फिर से कल कल अलग अलग क्यों सजेगा, क्या फिर सरहद पे वो फौजी अकेले खड़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच।